now I'd like to invite our chief guest for this evening, Sri Sushil Kumar Singh ji. मेरे छोटे भाई राघव रवि और आप डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, शुरू से इनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ. मैं हिंदी में बोलूँ तो कोई परेशानी तो नहीं आप लोगों को? मैं शुरू से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैंने देखा है इनको इस काम के पीछे जो इनका जो लगन है और इनका जो डिवोशन है और इनका इसके लिए जो इंटरेस्ट है, इसीलिए मैंने हमेशा इनका कोई भी इवेंट होता है तो मैं यहाँ होता हूँ तो निश्चित आता हूँ या कोशिश करता हूँ कि आऊँ. मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूँगा. मैंने शुरू में पहला जब शायद इनका इवेंट हुआ था तो मैंने ये बात कही थी, चूँकि मैं रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है 100% वो रूरल एरिया है, पूरा ग्रामीण परिवेश है, तो मैंने यही कहा था शुरू में कि हमारे गांव में रहने वाले जो कारपेंटर हैं, जो लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई होते हैं, जो लोहे का औजार बनाते हैं वो लोहार होते हैं, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं कुम्हार होते हैं, तो वो भी एक इंजीनियर है. ये शुरू में मैंने कहा था और इसको इन लोगों ने आगे भी बढ़ाया और आज की जो दुनिया है वो एडवर्टीजमेंट की है, प्रोफेशनलिज्म की है और माफी की है. नॉलेज अगर कहीं देश से बाहर है तो उसको इंपोर्ट करने की आवश्यकता है और हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो स्किल है वो उसे एक्सपोर्ट भी हम करें, और ये काम ये लोग बखूबी कर रहे हैं, इसलिए मुझे इनके साथ जुड़कर बहुत खुशी होती है. अभी एक प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया है, इन लोगों को मैंने सुझाव दिया कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है बिल्कुल ग्रामीण परिवेश है उसका, लेकिन वहाँ एक परेशानी यह है कि हमारे यूथ्स जो है, हमारे जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, वो काम या जानकारी के अभाव में मेन स्ट्रीम से कट रहे हैं, मुख्य धारा से वो विमुख हो रहे हैं और कहीं ना कहीं समझ के अभाव में या काम के अभाव में या बेरोजगारी के दबाव में या अज्ञानतावश जिनको कलम या कोई औजार हाथ में थामना चाहिए वो बंदूक थाम रहे हैं और वो एक्सट्रीमिज्म की लाइन में चले जा रहे हैं और वो टेररिस्ट हो जा रहे हैं. तो इसलिए मैंने इनको कहा कि आप वैसे इलाके में चलो, दिल्ली में तो इवेंट होते रहते हैं, सिंगापुर में भी आप करें बहुत अच्छा है, लेकिन जो असली हिंदुस्तान है, गाँव में बसने वाला जो हिंदुस्तान है, आप एक बार वहाँ चलो और वहाँ के यूथ्स को बताओ कि आज दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ खड़े हैं, और दोनों के बीच में आप एक ब्रिज का काम करो, एक सेतु का काम करो, और वो जो मेन स्ट्रीम से विमुख हो जा रहे हैं, मुख्य धारा से हट जा रहे हैं, उनको मुख्य धारा मिला. एक बात और मैं समझता हूँ, मैंने देखा है चूंकि हम लोग जिस पेशे से जुड़े हैं, जिस पोजीशन को होल्ड करते हैं, वहाँ हमारे पास सैकड़ों नहीं हजारों लोग आते हैं, बच्चे भी आते हैं, उनके गार्जियंस आते हैं कि हमारा बेटा बेरोजगार है, इनको कहीं नौकरी आप लगवा दें, कहीं इसको इसे रखवा दें. तो अपने देश में या कहीं भी डेस्क जॉब इतना नहीं हो सकता कि आप हर एक आदमी को उसके हिसाब से उसके लायक काम दें. हाँ, तब ये संभव जरूर है, और खासकर डेवलपमेंट कंट्रीज में, कि आप उनको स्किल करके, आप उनको टेक्निकली प्रशिक्षित करके, आप उनको कोई ऐसी जानकारी, ऐसा प्रशिक्षण दें जिससे वो किसी एक काम में स्पेशलिस्ट हो जाए, विशेषज्ञता उनको मिल जाए, और वो या तो उस जॉब की भी कमी नहीं है, टेक्निकल जॉब्स की कमी नहीं है भले किसी भी देश में, चाहे हिंदुस्तान हो या कोई और हो, डेस्क जॉब पॉसिबल नहीं है कि सबको मिल जाए. आज पढ़े लिखे इंजीनियर्स भी
इधर उधर अपना रिज्यूम लेकर, अपना बायोडाटा लेकर, ये कंपनी वो कंपनी, ये लीडर वो लीडर के घर आते जाते रहते हैं, लेकिन बेचारों को निराशा होती है। इसलिए मैंने कहा कि अपने यूथ को उनको प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि देश में काम की कमी नहीं है, लेकिन सब कोई चाहेगा कि डेस्क जॉब मिल जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए उनको टेक्निकली साउंड करके, उनको स्किल करके, और या तो वो अपना रोजगार खुद ढूंढ लेंगे या उनको रोजगार मिल भी जाएगा, और इस तरह से हमारा जो देश है वो इस मामले में आगे भी बढ़ सकता है, अपने पैरों पर भी खड़ा हो सकता है। और इस तरह से अपने हम, क्योंकि दुनिया आज ये कहा गया हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान युवाओं का देश है, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ आज हिंदुस्तान में है, तो इनको जब हम मेन स्ट्रीम में लाएंगे, इन ये जो हमारा एसेट है यूथ के रूप में, जो हमारे पास जो एसेट है, इसको इसका जब हम सदुपयोग करेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा, देश भी मजबूत होगा, और ये जो भटक जाते हैं हमारे यूथ वो भी मेन स्ट्रीम में रहेंगे। बस यही कहकर मैं सबको धन्यवाद।